जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी मैं दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और आज से लगातार 17 दिन तक हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट लग्जरी ट्रेन रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ, ये ट्रेन भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े जितने भी धार्मिक स्थल है वो सभी जगह सभी पैसेंजरों को ले जाएगी। और जो ट्रेन है ना, टोटल 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 17 दिन में। तो इस रामायण यात्रा में बने रहिए मेरे साथ डिजिटली, मैं आपको पूरा रामायण यात्रा करवाऊंगा। और हाँ, ये पहला एपिसोड है, टोटल 17 एपिसोड आने वाला है इस ट्रेन का, तैयार रहिएगा पूरा एपिसोड देखने के लिए। तो एंट्री करते ही यहाँ पे वेलकम किया गया है, ये माला के साथ साथ ये किया गया है और ये रहा अपना आइटनरी। रामायण एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले सामने में आप देख सकते हैं, ये सभी पैसेंजर हैं, मतलब श्रद्धालु कह सकते हैं। और यहाँ पे अभी सेल्फी सेशन चल रहा है, कुछ देर पहले ही प्रोग्राम हुआ था, हमने आपको दिखाया था हनुमान जी के साथ सब सेल्फी ले रहे हैं और ये है छोटा हनुमान। वैसे रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में दो तरह के कोच होते हैं, एक फर्स्ट एसी का कोच होता है और साथ ही एक सेकेंड एसी का कोच होता है। तो हम लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं सेकेंड एसी कोच में, कोच है A1। एंट्री से पहले सबसे पहले ये देखिए वेलकम किया जा रहा है और ये रहा रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का सेकेंड एसी का कोच। जैसे आप अंदर आइएगा तो सामने पैसेज में आप देखिएगा बैठने के लिए यहाँ पे चेयर वगैरह दिया गया है और साथ ही ये रीडिंग लाइट होगा आई थिंक, जी हाँ। और ये रही अपनी सीट, 12 नंबर अपर बर्थ मिला है। साथ में अंकल ट्रैवल कर रहे हैं, बरेली के हैं। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? आरके शर्मा। तो इनके साथ अभी 17 दिन तक ट्रैवल करेंगे साथ में हम लोग। और देखिए यहाँ पे जैसे सेकेंड एसी का होता है ना इंटीरियर, बिल्कुल सेम ही है, ऊपर में टॉवल वगैरह दिया गया है। ये देखिए बेडशीट बिछा हुआ है पहले से ही, पानी का बोतल रखा हुआ है, यहाँ पे टॉवल रखा हुआ है, कर्टन्स वगैरह लगा हुआ है, न्यूज़पेपर रखा हुआ है, साथ ही लॉकर की भी फैसिलिटी है और नीचे डस्टबिन है। जय श्री राम। टाइम हो रहा है 6:51 और अपनी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। सभी यात्रीगण ध्यान दें, आपकी हाईटेक की सर्विस वेस्टर्न कार्गो स्टार्ट कर दी गई है। सभी यात्री हाईटेक की सर्विस के लिए वेस्टर्न कार्गो पहुंचे। ट्रेन डिपार्चर के जस्ट 5 मिनट बाद अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि हाईटी की सर्विस स्टार्ट कर दी गई है रेस्टोरेंट कार में। तो चलिए चलते हैं हाईटी लेते हैं। तो ये है इस ट्रेन का रेस्टोरेंट कार, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 4x4 का है, 4 लोग इधर 4 लोग इधर। भाई काफ़ी खूबसूरत है रेस्टोरेंट कार। ये रहा इस ट्रेन का स्नैक्स, जिसमें मिला है ये सैंडविच, फ्रूट केक, ड्रिंक्स में मिला है ये मिक्स फ्रूट, ये समोसा, ये गर्मा गर्म कचौड़ी। और ये रहा चाय के लिए, हमने लिया ये इंस्टेंट प्रीमिक्स टी। आपके पास ऑप्शन रहता है चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए टेबल पे पहले से ही ऑलरेडी चीनी का पैकेट है, नमक का पैकेट वगैरह रखा हुआ है, टिश्यू पेपर वगैरह यहाँ पे आप देखिए रखा हुआ है, पानी का बोतल भी रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं समोसा, और समोसा जो है वो छोटा है लेकिन देखते हैं टेस्ट कैसा है। बाइक लैंग्वेज में A1। वैसे जितने भी श्रद्धालु ट्रैवल कर रहे हैं ना इस ट्रेन में, रामायण यात्रा जो भी कर रहे हैं ना, सबसे कम एज के जो है ना हम ही हैं तो सब सीनियर सिटीजन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ये रहा कचौड़ी, इसको ट्राई करते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया है भाई, कॉफ़ी चाय वगैरह सारा ऑप्शन मिलेगा ना। उस वक्त आप ही सारा कर रहे थे क्या स्टेशन पे? जी सर। कहाँ से हो आप? आपको पता है मेरी अब तक की सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी है ये, कितना फेयर लगा, चार्जेस वगैरह वो सेकेंड एपिसोड में आपको बताऊंगा। ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का, या कोई भी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसका ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको सेकेंड एपिसोड में बताऊँगा। वैसे मेरा ड्रीम था रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करूँ, और ये ड्रीम जो पूरा हो पाया है ना,
ये आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग अगर प्यार नहीं करते, तो शायद हम इस ट्रेन में अभी यहाँ पे बैठे नहीं होते। तो चलिए अब बात करते हैं रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के बोर्डिंग पॉइंट के बारे में। तो इस ट्रेन का पहला बोर्डिंग पॉइंट था जहाँ से ट्रेन ये निकलती है, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे, पहला बोर्डिंग पॉइंट। दूसरा बोर्डिंग पॉइंट है इस ट्रेन का गाजियाबाद, जहाँ पर ट्रेन रुकी थी 5 मिनट के लिए। उसके बाद अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, फिर लास्ट बोर्डिंग पॉइंट इस ट्रेन का लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी डिनर के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट कार में डिनर करने। तो भाई अपना डिनर आ चुका है और डिनर जो है ना इस ट्रेन में अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ वेज मिलेगा आपको इस ट्रेन में। और देखिए यहाँ पे रोटी का भी तीन तीन ऑप्शन है, एक तो ये प्लेन रोटी वो फुल्का, नॉर्मल पराठा, मेथी का पराठा, साथ ही गर्मा गर्म दाल मिला है, पनीर की सब्जी मिली है, सूखी सब्जी मिली है और सलाद मिला है। और डिनर से पहले सूप अभी दिया जा रहा था, लेकिन हम मना कर दिए क्योंकि क्या अभी डिनर करना था तो सूप पी के क्या करेंगे भाई। तो चलिए फटाफट हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है खाना रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का। तो सबसे पहले अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं दाल। हाँ भाई मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया दाल है। और ये है पनीर की सब्जी, हमने हल्का हल्का क्वांटिटी में लिया है क्योंकि भाई बर्बाद करके क्या फ़ायदा। ये भी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। और ये सूखी सब्जी, ये भी सही है। और इसके बाद हम लोग को दिया जाएगा दही, उसके बाद जो चीज़ भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई मेथी का भी पराठा काफ़ी बढ़िया है। सलाद बाबूजी? नहीं नहीं, पराठा रोटी के बाद राइस दिया जाता है, अगर आप चाहे तो राइस भी ले सकते हो, लेकिन हम फिलहाल राइस नहीं खाएंगे। आपको पता है कि भाई राइस हम बहुत कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। पराठे मीठे? नहीं नहीं मीठे, एक पीस लीजिए बस। अभी स्वीट्स में दिया गया है हम लोग को रसगुल्ला, ये भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, बस ट्राई करते हैं आपको दिखाते हैं कैसा है। एक नंबर एप्पल दे दीजिए, पीस ऑरेंज दे दीजिए, केला। वह डिनर के बाद अब आ चुका है अपना फ्रूट, जिसमें दिया गया है बनाना, एप्पल और ऑरेंज। सर नहीं हो गया सर, धन्यवाद। वैसे रामायण एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी भी है, लेकिन उसमें हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका कॉस्ट जो है ना टिकट फेयर थोड़ा अधिक है। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा मुझे कितना पड़ा, लेकिन इससे 30,000 अधिक है फर्स्ट एसी का, लेकिन उसका टिकट हम नहीं दिए क्योंकि कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही था। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फ्री में हम जर्नी कर रहे हैं, तो भाई फ्री में हम जर्नी नहीं कर रहे हैं, रेलवे क्यों फ्री में मुझे बुलाएंगे? क्योंकि पता है ना हम रियलिटी दिखाते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं तो उनको भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता है। और वैसे अपना डिनर जो है वो 8:30 बजे से 10 बजे तक चलता है, इस बीच में जिनको भी आना होता है वो आते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है उस हिसाब से आते हैं, बैठ के अपना डिनर करते हैं फिर चले जाते हैं। तो भाई अपना डिनर तो हो चुका, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोच में। तो इस 17 दिन की रामायण यात्रा में हम लोग कौन कौन सा जगह कवर करने वाले हैं वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे अयोध्या, उसके बाद नंदीग्राम, उसके बाद हम लोग जाएंगे जनकपुर, जनकपुर के बाद हम लोग की ट्रेन पहुँचेगी सीतामढ़ी, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे वापस बिहार में बक्सर, बक्सर के बाद हम लोग पहुँचेंगे वाराणसी में, वाराणसी के बाद हम लोग जाएंगे सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में, उसके बाद हम लोग निकलेंगे प्रयागराज के लिए, प्रयागराज के बाद हम लोग कवर करेंगे श्रृंगवीरपुर, श्रृंगवीरपुर के बाद हम लोग पहुँचेंगे चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद हम लोग पहुँचेंगे नासिक, नासिक के बाद हम लोग जाएंगे हम्पी, हम्पी के बाद रामेश्वरम जाना है हम लोग को, फिर रामेश्वरम से हम लोग पहुँचेंगे भद्राचलम, उसके बाद वापस नागपुर, फिर नागपुर से अपनी ट्रेन डायरेक्ट आएगी कहाँ, दिल्ली सफदरजंग, जहाँ से हम लोग बोर्ड किए थे ट्रेन में, वहाँ फिर हम लोग डिबोर्ड कर जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:55, सभी लोग डिनर कर लिए और अभी सब सो रहे हैं, लाइट वगैरह अंदर का बंद हो चुका है और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे फुट मसाज के पास, लेकिन फुट मसाज नहीं कर रहे हैं। अब क्या है ना कि आप लोग को डेली ब्लॉग देना है, इस वजह से बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग, thank you.
टाइम हो रहा है सुबह के 6:40 और अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं डाइनिंग कार में चाय पीने के लिए। वैसे चाय का टाइम था 6:00, थोड़ा लेट से उठे थे, फ्रेश व्रेश होने के बाद अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। और चाय जो है ना इस ट्रेन में आपको बेड पे ही मिल जाता है, तो आपकी सीट पे ही मिल जाता है, लेकिन अगर लेट हो जाएगा तो आप आके डाइनिंग कार में पी सकते हैं। और ये मेरे साथ हैं मेरे को पैसेंजर हैं, पहले सुभाष मित्तल जी डॉक्टर साहब हैं ये, और मेरे केबिन में 3 लोग हैं हमको मिलाकर, एक ये हुए डॉक्टर साहब, एक शर्मा अंकल हुए जो कि रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो इन्हीं के साथ 17 दिन की यात्रा हो रही है। ये आ गया, बिस्किट हटा दीजिए, कॉफ़ी है ना, हाँ ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, हाँ थैंक यू, इन्हीं में हम लोग शेयर कर लेंगे। कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अयोध्या, उससे पहले अभी ये कैब दिया गया है, साथ ही ये सभी पैसेंजर को दिया गया है अम्ब्रेला। वैसे रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट जो है लगभग 2 महीना पहले से इसका बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, IRCTC के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। और साल में शायद 1 या 2 यात्रा होता है, रामायण यात्रा होता है, इसका सारा डिटेल्स आपको IRCTC के वेबसाइट पे मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। वैसे टिकट करने के बाद इस ट्रेन में आपको 10 दिन पहले ग्रुप बना दिया जाता है, जितने भी पैसेंजर्स ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अभी इस यात्रा में हम लोग के साथ पूरी ट्रेन में 80 पैसेंजर हैं, मतलब 80 श्रद्धालु साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो जितने भी पैसेंजर हैं ना सबका 10 दिन पहले एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाता है IRCTC के द्वारा, और उसी ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाना है नहीं लाना है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। वैसे और ग्रुप में जो है ना, जैसे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अयोध्या, तो अयोध्या में कौन से होटल में स्टे करना है, 2 बस यहाँ से जाएगी अयोध्या रेलवे स्टेशन के बारे में, 2 बस रहेगी, 1 नंबर बस 2 नंबर बस, तो 2 नंबर बस पे कौन पैसेंजर को जाना है, सीट वाइज सारा लिखा रहता है, 2 होटल बुक है अयोध्या में, तो दोनों होटल में से किस होटल में मुझे स्टे करना है, वो सारा डिटेल्स जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दिया जाता है। अभी टाइम हो रहा है 7:35 और ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट कार में। ब्रेकफास्ट में क्या क्या हो जाएगा? सर ब्रेकफास्ट में कटलेट है, ओट्स है, जूस है, फ्रूट्स है, और ये कॉर्नफ्लेक्स है, तो ये सारा ऑप्शन है ना? हाँ, ब्रेड है, टोस्ट है, ब्रेड बटर वगैरह होगा, ब्रेड बटर टोस्ट वगैरह, टोस्ट भी दे सकते हैं आप। तो आपने सुन लिया ब्रेकफास्ट में कितना ऑप्शन है, फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कटलेट ले सकते हैं, ब्रेड जैम ले सकते हैं, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी चाहे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं फ्रूट्स वगैरह लेंगे। सही है, 1 नंबर ओट्स। और ये रहा कटलेट, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल गर्मा गर्म, काफ़ी सॉफ्ट, मतलब ऐसा कटलेट हमने आज तक नहीं खाया था। तो हम लोग की रामायण एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। ये रहा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। अपने एक कोच का जो जिम्मेवारी है मिस्टर अंकुश कुमार उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, गर्म पानी लेना है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ भी इशू होता है बोलते हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन होता है। तो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे अपने लोकोमोटिव को रिवर्स किया जा रहा है, और इस ट्रेन में लोकोमोटिव है गाजियाबाद का WAP-7। लगभग 1 घंटा रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का वैसे पहुंचने का टाइम था शेड्यूल के हिसाब से, आइटनरी के हिसाब से सुबह 9 बजे, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 1 घंटा 10 मिनट डिले। और अभी जस्ट अनाउंसमेंट किया गया है कि 11 बजे के लगभग जो है अपनी बस आएगी, फिर बस से हम लोग को जाना है सरयू घाट, वहाँ स्नान करेंगे, फिर स्नान करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ होगा ना पूरी यात्रा में वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा सेकेंड एपिसोड में। ये तो भाई साहब अपना पहला एपिसोड है, वैसे पहला एपिसोड को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे ही रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है भाई, वॉशरूम नहीं दिखाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेयर के बारे में नहीं बताए हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई आपको पूरी यात्रा करवानी है ना साथ में। चलिए मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह के साथ रामायण यात्रा करते रहें। जय श्री राम।